अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बीफ बर्गर। इसकी रेसिपी जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको फ़ौरन पता चल जाएगी। चलें चलते हैं अपनी इंग्रीडियंट्स की जानने। मैंने ले लिया है 1 kg बीफ का कीमा। इसको मैंने चिकना कीमा लिया है। इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच ब्लैक पेपर। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून। बहुत ही आसान रेसिपी होती है मेरी, प्लीज जरूर फॉलो करके किया कीजिए। और नमक डाल दीजिए हसबे जायका। और अब मैं इसमें 3 चम्मच प्लेन फ्लोर मिला लूंगी। मेरी रेसिपीज बहुत इजी होती हैं, आप आराम से फॉलो कर सकती हैं। और 1 अंडा मिला लीजिए अब इसमें और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च मिला लीजिए। या आपकी कीमे की इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने चॉपर कर दिया, आपकी परफेक्टली हो गया है कीमा रेडी। अब हमें कबाब बनाने की जानिब चलते हैं। मैंने पैन पे 3 टेबलस्पून ऑयल मिला लिया है, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी ना ही शैलो फ्राई, बस हल्का सा लगाना है ताकि चिपके ना कबाब्स। ऑलरेडी चिकना कीमा लिया था तो ये अपनी चिकनाई भी अपना ऑयल छोड़ेगी। कबाब की राउंड शेप बनाने के बाद मैंने अपने पैन पर रख दिया है, ये देखें। और ना ही ज़्यादा तेज आंच ना ही हल्की, बहुत मीडियम हीट पे बनाना है इसको। इसके डार्क ब्राउन रखना है ऐसे। कीमे की रेसिपी आपको रिपीट कर देती हूँ मैं। मैंने कीमा ले लिया है चिकनाई का वाला, इसमें मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, 1 चम्मच और 2 चम्मच विनेगर और 1 अंडा मिला लिया और प्लेन फ्लावर मिला 3 चम्मच और फिर मैंने कॉर्न स्टार्च मिला लिया 1 चम्मच और हसबे जायका नमक। अब बन को सेक लीजिए, आप अपने को एक साइड से सेक लिया और हल्का सा दूसरे साइड पर। अब मैं आपको सिखाती हूँ कोल स्लो कैसे बनाना है आपको। इसके लिए मैंने आधी जो है कैबेज ले ली है, उस पर नमक मिला लिया है हसबे जायका और इसमें ब्लैक पेपर मिला लीजिए 2 चम्मच। मैंने किस तरह से कटिंग किया आपको दिख रही होगी ये। और 1 चम्मच चीनी मिला लीजिए। मीठा तो ज्यादा नहीं होगा पर हल्का सा स्वीट सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब मायोनीज मिला लीजिए आप इसमें। इतना मायोनीज मिला है मैंने इसमें कि इसमें आराम से लिक्विड हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि इंग्रेडिएंट्स सब जगह मिक्स हो जाए। अब चलते हैं अपने बंस की जानिब कि बर्गर को कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें मेयोनीज लगा दी फर्स्ट लेयर मैंने, सेकंड मैंने कबाब रखा एंड थर्डली मैंने कोल्सो बनाया था वो रख दिया। भाई हेल्प कर रहा है मेरे, आपको दिख रहे होंगे। और माशाल्लाह भाइयों से हेल्प ले लेनी चाहिए जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब ये देखें हमारा एक बर्गर तैयार हो चुका है जो कोल स्लो के साथ है। अब दूसरा देख लीजिए जिसमें मैं लेटस यूज करूंगी। मायोनीज पे हम लगा लीजिए, लेटस लगा लीजिए और अब इस पे कबाब मिला लीजिए और फिर आपका दूसरा बर्गर रेडी है। हल्का सा सेक लीजिए इसको पैन पर कुकर स्लो हीट पर। यह आपके बर्गर्स मजेदार बर्गर्स रेडी है। आप चाहें तो चीज भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, मजेदार बर्गर रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।